नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो हिंदी व्याकरण ब्रेन रूट सीरीज से हम करेंगे पाठ संख्या 20, और पाठ संख्या 20 है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन में एक ही अनुच्छेद होता है, वह अपने आप में संक्षिप्त होते हुए भी पूर्ण होता है। मतलब वो होता छोटा है, लेकिन जो भी बात उसमें कहनी होती है वो पूरी तरह से कही गई होती है। उसमें भूमिका आदि का कोई स्थान नहीं होता। विषय के एक पक्ष पर विचार किया जाता है, जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे। किसी ने ठीक ही कहा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस संसार में व्यक्ति जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। अच्छा करने वाले का अपने आप ही भला हो जाता है, बबूल लगाने से आम नहीं मिलता। जो इस तथ्य से परिचित हो जाता है वह कुछ भी गलत करने से पहले 10 बार सोचता है, विचारता है। आज ऐसा भ्रम हो गया है कि बुरे काम करने वाला फल फूल रहा है, पर यह स्थिति ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली। भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। अच्छा कार्य करने वाले को उसका फल अवश्य मिलता है, चाहे उस फल की प्राप्ति में देर ही क्यों ना हो जाए। हमें चाहिए कि हमेशा अच्छे कार्य करते जाएं, दूसरों को सुख देने का हर संभव प्रयास करें। तो ये है अनुच्छेद। अब दूसरा अनुच्छेद है यहाँ बागवानी। बहुत से लोग घर के पीछे बगीचे में या घर के आंगन में पौधे उगाते हैं। जिनके पास ज़मीन नहीं होती वे गमलों में पौधे उगाते हैं। कुछ लोग सिर्फ गुलाब, जूही, गेंदा आदि रंग बिरंगे फूलों के ही पौधे उगाते हैं। कुछ लोग क्यारियों में साग सब्जियों के पौधे उगाते हैं। जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होती है वे नींबू, आम, चीकू, केले आदि के पेड़ भी उगाते हैं। एक और बागवानी एक शौक है। बागवानी करने वालों को अपने पेड़ पौधों को देखकर बड़ा आनंद आता है। दूसरी ओर बागवानी लाभदायक भी है। हमें घर में ही फूल, साग, सब्जी, फल सब मिल जाते हैं। अब यहाँ पर तीसरा अनुच्छेद है राष्ट्रीय ध्वज। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के नाम से प्रसिद्ध है। यह 3 रंगों की पट्टियों से मिलकर बना है। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे हरे रंग की पट्टी है। सफ़ेद रंग की पट्टी के बीच में अशोक चक्र है। केसरिया रंग हमें हमारे सैनिकों के त्याग और बलिदान की याद दिलाता है। हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। सफ़ेद रंग हमें सत्य, अहिंसा, सुख व शांति देता है। सफ़ेद रंग के बीच में स्थित अशोक चक्र अशोक महान द्वारा बनवाए गए सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। यह हमें अशोक के महायुग की याद दिलाता है। तिरंगा हमारे देश की शान है। यह हमें त्याग, बलिदान, वीरता, शांति और खुशहाली का संदेश देता है। तो बच्चों, आपने अभी देखा होगा कि जो भी यहाँ पर शीर्षक है अनुच्छेद का, केवल उसी के बारे में अनुच्छेद में बात की गई है। मतलब एक ही पक्ष पर विचार किया जाता है और कोई भी अलग से आरंभ और अंत यहाँ नहीं है। क्या पढ़ा, क्या सीखा? तो दिए गए विषयों पर आप लोग अब अनुच्छेद लिखेंगे। जल एक अमृत। कंप्यूटर। अब आप अनुच्छेद लिख लेंगे। नीचे लिखे विषयों पर इसी प्रकार अनुच्छेद लिखो। तो यहाँ पर आपको कुछ विषय दिए हुए हैं बच्चों, आपने इन्हें पढ़ना है और इन पर अनुच्छेद बनाने हैं। जितने बड़े अनुच्छेद अभी हमने देखे हैं आपको बस उतना ही लिखना है। यदि आपके अनुच्छेद का शीर्षक है सदा सत्य बोलो, तो इस विषय पर आप सिर्फ सत्य के बारे में ही, सत्य बोलने के बारे में ही बताएंगे। चटोरे, चाचा, आम का पेड़, मैंने सब्जी खरीदी, गृह कार्य का पहाड़, मुझे पुरस्कार मिला, वह सपना, समय का सदुपयोग, मेरा झूठ, दादाजी का चश्मा। तो आप इन सभी विषयों पर अनुच्छेद
लिखेंगे। आभार, मिलते हैं नए पाठ के साथ।